Hello guys and welcome back to the Social Academy. So as part of the enzymes, so till now we have discussed about like what are enzymes, what are the different classes of enzymes and like the subclasses, sub-subclasses, any type of what type of number we can give to the enzymes or the enzyme nomenclature. We have also discussed about its specific activity as well as the turnover rate, right? Now in today's lecture, we are going to discuss about the mechanism of enzyme reactions. So there are 4 to 5 types of mechanism by which any enzyme will catalyze the reaction. ठीक है? उसके बाद हम next class में ये देखेंगे कि examples, like for example lysozyme हो गया, वो किस तरह से properly काम करता है, या we can take the example of chymotrypsin or trypsin. Then we'll understand how exactly they are catalyzing the reaction. ठीक है? तो पता चलेगा कि वहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन कर रहा है, या इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा है. सो एवरीथिंग इन डिटेल विल स्टडी अबाउट फ्यू एंजाइम्स. ओके, सो फर्स्ट मेथड इज द फर्स्ट मैकेनिज्म बाय व्हिच द एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन इज द कोवेलेंट कैटालिसिस. अब कोवेलेंट कैटालिसिस से ही पता चल रहा है दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? या इट इज गोइंग टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड. एंजाइम का काम ही क्या था, आइदर इट इज गोइंग टू मेक और इट इज गोइंग टू ब्रेक. So it involves the formation of a transient covalent bond between substrate and the residues in the enzyme active site or with the cofactor. So what does it mean? Transient covalent bond. Transient covalent bond. यानि कि एक temporary association एक बनाता है. See, जब भी हम कैसे लिखते हैं, enzyme हो गया plus substrate हो गया, it gives enzyme substrate complex, right? And then what we get is enzyme plus product, है ना? तो ये जो एक जो फेज रहता है इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, जहां पे आपका सबस्ट्रेट बेंड होगा या एंजाइम बेंड होगा सो दैट इट कैन कैटलाइज अ रिएक्शन. सो दैट पर्टिकुलर स्टेज इज आल्सो नोन एज द ट्रांजिएंट कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है? सो इट हेल्प्स यू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इन द लेटर स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन. तो यही काम है. सी, जब भी हम लोग कोई भी बात करते हैं कि यहाँ सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट बनता है, सो वी प्लॉट अ ग्राफ लाइक दिस. यहाँ पे आपका सब्सट्रेट रहता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रहता है, राइट? विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम व्हाट हैपेंस इज दैट दिस ट्रांजिशन स्टेट जो है वो आपका जल्दी नीचे आ जाता है. तो यानी कि आपको कम एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन कन्वर्ट सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट. ठीक है? तो एंजाइम का काम क्या हुआ, टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. द मोस्ट कॉमन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द अटैक बाय एन एंजाइम न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम का न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा विच विल बी अटैकिंग ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक मॉइटी ऑफ द सबस्ट्रेट. ठीक है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट. सो एंजाइम का आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो यहाँ पे आपका एंजाइम है जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और आपका सबस्ट्रेट है विच हैज गॉट द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, अभी आप मुझसे पूछोगे न्यूक्लियोफाइल क्या, इलेक्ट्रोफाइल क्या, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, आपने बहुत पहले पढ़ चुका है. देखिए शॉर्ट नोट ऑफ इट कि न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ यहाँ पे और इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ. ठीक है, दिस मीन्स न्यूक्लियस लविंग, यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन लविंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म. अभी हमें क्या मालूम है, कोवेलेंट कैटालिसिस में एंजाइम है जो आपका न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, वेयर एज सब्सट्रेट जो रहेगा इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा. ओके, अब प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम इसमें. सो इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कोवेलेंट कैटालिसिस अकर्स व्हेन द सब्सट्रेट बिकम टेम्पररीली कोवेलेंटली अटैच्ड टू द एंजाइम ड्यूरिंग द कैटालिटिक रिएक्शन. ठीक है, तो यही अभी हमने डिस्कस किया था, वेयर आई सेड दैट ई एंजाइम एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स सबका बना है. ठीक है, नाउ इन दिस रिएक्शन द एंजाइम कंटेन्स अ रिएक्टिव ग्रुप, ऑफ कोर्स यूजुअली द न्यूक्लियोफिलिक रेसिड्यू और इलेक्ट्रोफिलिक रेसिड्यू व्हिच रिएक्ट्स विद द सब्सट्रेट एंड इट डज दिस अटैक. ठीक है, तो एंजाइम में आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है. नाउ अब आपको पता चलेगा कि कौन से न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप हैं जो एंजाइम में प्रेजेंट रहेंगे. सो इट कैन बी RCOO माइनस, RNH और ROH. तो आपको मालूम है अगर एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम में इफ यू हैव गॉट द एसिड या एमाइड या एल्कोहल ग्रुप, राइट, देन दे कैन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल और द नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द इमिडाजोल ग्रुप ऑफ द हिस्टिडीन रेसिड्यूज. एक चीज और बाय डिफॉल्ट याद रखो कि आपको साइड में हिस्टिडीन हमेशा ही रहता है बिकॉज इट हैज गॉट द बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप.
अब मुझे ये बताओ पल्लवी, विच ऑल एमिनो एसिड हैव गॉट द एसिड इन द साइड चेन्स ऑफ द एमिनो एसिड्स, और अमाइड ग्रुप किसमें प्रेजेंट है और अल्कोहल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? क्या आंसर होगा? बोथ स्मृति एंड पल्लवी। मैम एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. ओके, देन अमाइड ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? जहां पे आपका CONH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। मैम एस्पर्जिन एंड ग्लूटामिन. Yes, very good. और अल्कोहल? एल्कोहल मैम सेरिन Yes, and थ्री सेरिन OH ग्रुप भी रखा है। एंड Yes, very good. और एक और है, one more. Example देती हूँ, hint देती हूँ, aromatic amino acid. टायरोसिन. Yes, very good. Okay, good. So now you know that these are the amino acids which will have the nucleophilic groups. Okay, अगर ये आपके active site में present है, then it is going to be the nucleophilic group of nucleophilic attack on the substrate. तो आपको ये सारे एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है? सिंपल वही अच्छा याद रहेगा कि एसिड अमाइड अल्कोहल ग्रुप जो रहते हैं अगर आपके एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम में प्रेजेंट है, देन दोज आर गोइंग टू बी द न्यूक्लियोफिलिक अटैकर्स, ठीक है? एंड हिस्टिडीन बाय डिफॉल्ट याद रखना, क्योंकि इसमें दोनों आपके न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज सेलेक्टोफिलिक ग्रुप है जो अटैक देंगे. ओके, सो द इलेक्ट्रोफिलिक मॉइटीज ऑफ सब्सट्रेट मे बी असाइल फॉस्फोराइल ग्लाइकोसिल ग्रुप, सो दैट द कोवलेंट इंटरमीडिएट्स वुड बी असाइल फॉस्फोराइल ग्लाइकोसिल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है? नाउ ये ऑफ कोर्स आपके सब्सट्रेट में मेनली प्रेजेंट रहेंगे. नाउ एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर पुअर इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, बट इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस डज अकर विद दोज एंजाइम्स दैट कंटेन मेटल्स और प्रोसिपिक ग्रुप दैट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन सिंक्स ड्यूरिंग कैटालिसिस. सो वी ऑल्सो नो दैट देर आर सर्टन एंजाइम्स जहाँ पे मेटल आयोन की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल दिया था जहाँ पे Fe2+ यूज होता है, कॉपर यूज होता है, मॉलिब्डेनम यूज होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल रिडक्टेज हो गया, राइबोन्यूक्लीज एंजाइम्स हो गए, ये सारे एंजाइम्स जो है इन दिस द मेटल आयन्स आर रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन कैटलाइज द रिएक्शन. तो वहां पे योर एंजाइम इज गोइंग टू एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक अटैकर. इतना क्लियर है? यस मैम. यस मैम. सिंपल, जहां पे आपका COH हो गया, CONH हो गया और एक अल्कोहल ग्रुप हो गया, ये सारे हो गए आपके न्यूक्लियोफिलिक अटैकर्स, ठीक है? एंजाइम्स की बात कर रही हूँ मैं. और अगर आपके पास मेटल बाइंड करने वाले एंजाइम्स हैं, सो ये आपका जो मेटल आयन है दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है? बस सिंपल से एक आप क्लासिफिकेशन दिया है, याद रखना. The charge loss in the reaction during transition state will then accelerate the hydrolysis. यानी कि it is going to move towards the second phase. यानी कि transition state एक बार reach हो गया, ठीक है? उसके बाद वो आगे आपका product form बनने के लिए आगे बढ़ेगा. Look at the figure now. So in the figure we see that we have got the enzyme, and let us say that this enzyme has got this active site which is going to interact or form a covalent bond with the substrate. ठीक है? अब क्या हुआ, उसने यहाँ पे बनाया कोवलेंट बॉन्ड बनाया एंड कैटालिसिस हुआ, एंड व्हाट इज फाइनली हैपनिंग, द बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन बिटवीन द सबस्ट्रेट, एंजाइम के साथ बना फिर एंजाइम के साथ भी टूट गया है, ठीक है? सो दिस इज हाउ द कोवलेंट कैटालिसिस इज कैरिड आउट. सिंपल क्लियर? फिर से सी द बॉन्ड वॉज फॉर्म बिटवीन द सबस्ट्रेट, है एंजाइम का काम क्या हुआ यहाँ पे, टू ब्रेक द बॉन्ड. ये बॉन्ड ब्रेक करके उसने अपने साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, उसके बाद ये बॉन्ड भी हमने ब्रेक कर दिया, एंड दैट्स हाउ यू गेट, ये हो गया आपका एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, ये हो गया आपका एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड देन व्हाट यू गेट इज एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स, ठीक है? क्लियर? कोवलेंट कैटालिसिस क्लियर है आप लोगों के लिए? यस मैम. नेक्स्ट, एसिड बेस कैटालिसिस. सो एसिड बेस कैटालिसिस नाम से पता चल रहा है that we are going to make use of the pH, okay? So in this, the chemical reaction is accelerated by the addition of an acid or a base, and the acid or base itself is not consumed in the reaction, but it is going to help
the enzyme to perform the reaction. कैसे? By the help of the proton transfer. ठीक है? So proton acceptors are donors. That is the acids and bases. They may donate and accept the protons in order to stabilize the developing charges in the transition state. Mainly हम ये enzymes में नहीं देखते हैं. Mainly we don't see in the case of the organic reactions. ठीक है? So हमने यहाँ पे enzyme catalysis के बारे में पढ़ रहे हैं. So there are many methods by out of which there are 5 methods which we'll be discussing. ठीक है? तो पहला हो गया आपका covalent. Second हो गया आपका acid base. Acid base में because of the addition of an acid or a base. अब इसका भी main मतलब क्या हुआ? We are going to deal about the H plus movie. ठीक है? Now this typically has the effect of activating the nucleophile and the electrophile groups or stabilizing the leaving groups. So many acid-base catalysis involve histidine because it has got the pKa close to 7. So jo bhi enzyme jab hum bolte hain that is active at the physiological pH. Physiological pH aapka kya hai? 7.2. Kisi reference code mein 7.4 bhi diya hai. ठीक है? अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये enzyme आपका physiological pH में active है, by default please remember that उस enzyme के active side में आपका histidine present है. याद रहेगा? हाँ. By default histidine आपका present रहेगा because it has got the pKa value near to 7. और यही चीज हम इंटरव्यू में भी काफी बार पूछ चुके हैं. ओके, नाउ लुक एट द फिगर हियर. थोड़ा सा ग्राफ कंफ्यूजिंग रहेगा बट विल गो स्लोली सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड. ओके, ये हो गया आपका पीएच रेंज. ठीक है? एंड यहाँ पे आपका कैटलिटिक रेंज हो गया. नाउ फर्स्ट लुक एट द ग्राफ ऑफ फर्स्ट द लोअर कर्व जो रेड में दिया है. कर्व वन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका एसिड कैटलाइज है और यहाँ पे आपका बेस कैटलाइज है. ठीक है? नाउ टू रीड द ग्राफ लुक इट ओवर हियर, व्हाट डू यू सी? आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है. सो इसका मतलब क्या? विद इंक्रीजिंग पीएच वेदर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग गाइस, क्या होगा आंसर? ऐसे जा रहा है. यस पल्लवी, जैसे जैसे यहाँ पे पीएच बढ़ रहा है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो कैटलाइज किया है वो आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बाय गोइंग टुवर्ड्स द न्यूट्रल पीएच? इट इज डिक्रीजिंग. गुड, देन व्हाट इज हैपनिंग? न्यूट्रल पीएच में एक्टिविटी बहुत कम है. राइट? नाउ अगेन as the pH is increasing, sorry, ठीक है, pH यहाँ पे आपका बढ़ रहा है. Again, you can see that the rate of reaction is getting increased, right? तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया आपका base catalyze, जहाँ पे OH minus या loss of H plus is required. यहाँ पे आपको H plus is required. Clear? चलो. So the lower curve one represents the reaction in vitro of a typical unreactive compound. It shows only acid and base catalyzed reaction and it is very minimum near pH 7. इसका मतलब अगर मैं एसिड ऐड करूंगी या बेस ऐड करूंगी तब भी वो पर्टिकुलर रिएक्शन आपका कैटलाइज होगा. ठीक है? ओके, लेट्स सी द सेकंड कर्व. फॉर द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स एन एडिशनल फीचर दैट इज कर्व 2 इज अ पीएच इंडिपेंडेंट रीजन वेयर the uncatalyzed reaction with water becomes faster than the acid and base catalyzed reaction near neutrality. यहाँ पे क्या हो गया? So these are the reactions जहाँ पे water से water add करने पे ही आपका reaction catalyze हो जाएगा. ठीक है? Now we saw that जैसे जैसे neutral आएगा वैसे वैसे भी आपका reaction catalyze हो रहा है. But in the same way in the near neutral pH, if you add enzyme to that particular reactions, what do you see? There is a heightened increase in the rate of reaction. है ना? यहाँ पे क्या हो रहा था? आपका थोड़ा सा डिक्रीज हो गया था. बट अगर इसी वाटर रिएक्शन में मैं अगर एंजाइम ऐड कर दे रही हूँ, सो व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज अ हाइटेंड इंक्रीज इन द रिएक्शन कैटलाइज, राइट? दैट शोज दैट योर एंजाइम्स आर मेनली एक्टिव एट द न्यूट्रल पीएच. इतना क्लियर है? तो जो भी ग्राफ आपके सामने रहेगा
यू नो यू शुड नो हाउ टू कंक्लूड इफ एनी गिवन ऐसे रहा था कि जब भी आप आगे जाके इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि ये पर्टिकुलर एग्जाम का कैटलिसिस कैसे होता है. कुछ ग्राफ दे देंगे, कुछ रिएक्शन दे देंगे या कुछ इक्वेशन दे देंगे, एंड फ्रॉम दैट यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड द दैट. समटाइम्स यू वोंट बिलीव, मेनी टाइम्स एट आईसर पुणे व्हेन आई वाज देयर इन द पैनल, सो दे यूज्ड टू पुट देयर ओन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो हम हमारे रिसर्च टाइम में ऐसे खुद ही पूछ रहे होते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा, हमें खुद कभी कभी नहीं आता है, राइट. सो वी गो टू द गाइड, तो गाइड भी बोलते हैं अरे हाँ ये कैसे करेंगे, कुछ नया प्रॉब्लम अगर जैसे फेस करते हैं. सो व्हाट वी डू समटाइम्स इज दैट हम यही क्वेश्चंस ऐसे इंटरव्यू में किसी के सामने रख देते हैं, ठीक है. एंड देयर माइट बी अ चांस जहाँ पे बच्चा सोच के यू नो माइट गिव अ सिंपल हिंट, और अगर गाइड को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा सो ही कैन और शी कैन एक्सप्लेन लेटर वेरी वेल कि हाँ हम इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ऐसे ओवरकम कर सकते हैं. सो मेनी टाइम्स वी डू लाइक दिस कि जो भी फ्रेश माइंड रहता है, बिकॉज कैसे था हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ते रहते हैं तो हम लोग सैचुरेट हो जाते हैं. अभी सेम चीज को अगर हम किसी फ्रेश माइंड के पास रखेंगे सो दे विल हैव यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. सो दिस ऑल्सो वी डू. एंड ऐसे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आपने गलत दिया है या रॉन्ग आंसर दिया, बिकॉज इवन वी डोंट नो वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट. ओके, सो द एसिड बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन एट हाई एंड लो पीएच आर नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट टू कैटालिसिस बाय एंजाइम्स. ठीक है, तो ये आपका कहाँ होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता है. एंजाइम्स के लिए वी नीड नियर न्यूट्रल. ठीक है, सो दे टिपिकली इन्वॉल्व एक्टिवेशन ऑफ द सब्सट्रेट बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. यानी कि क्या यहाँ पे हम सब्सट्रेट को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद ही वो चेंज होगा, प्रोडक्ट बनेगा. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, इफ द सब्सट्रेट इज रिएक्टिव यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक है, एक्टिवेशन बाय प्रोटोनेशन इज नॉट नेसेसरी एंड द अटैक ऑफ वाटर ऑन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज रेट लिमिटिंग. यानी कि क्या अगर सी तो सब्सट्रेट अगर आपका पहले से ही एक्टिव है तो मुझे वहां पे वाटर ऐड करके उस रेट को रिड्यूस नहीं करना है. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एसिड एंड बेस, एसिड में पानी डालूंगी अगेन इट इज गोइंग टू इंटरफेयर, बेस में पानी डालूंगी तो इट विल इंटरफेयर, सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द रेट डिटरमाइंड रेट रेट ऑफ द रिएक्शन. सो दिस जनरेट्स बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड एज द रिएक्शन प्रोसीड्स बोथ विल बी डीलोकलाइज्ड इनटू द सराउंडिंग सॉल्वेंट बाय द नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वो आपका न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा. सो एज अ न्यू CO बॉन्ड फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ऑन द न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, वाटर से आपका. ठीक है, एंड द अटैच ओएच प्रोटॉन्स बिकम्स मोर एंड मोर एसिडिक एंड देन दे कैन बी ट्रांसफर टू द योर वाटर मॉलिक्यूल. नाउ the negative charge developing on the carbonyl oxygen may similarly be transferred by a hydrogen bond to another water molecule. So yahan pe kya hua, aapka jo ye oxygen tha it has got a negative charge, dusra water molecule bhi present hai to wo usko attract karega. This mechanism is always available though it does not always lead to reaction at an observable rate. Theek hai, to hum thoda ye kam dekhte hain in the case of the enzymes. Okay. The direct reaction does have the entropic advantage of not having a third molecule. अब यहाँ पे आपको confuse नहीं होना है. You can read this later. In short, मैं आपको बता देती हूँ आज एंड बेस कैसे काम करता है. ठीक है. And also you can find it anywhere. So suppose you have got the enzyme, ठीक है, and substrate. So substrate क्या आपके पास solution रहेगा, ठीक है. And we know that this particular enzyme have the reactive range of like around 5 to let us say the 7. ये आपका पीएच में इतना रहेगा. इससे नीचे गए एंजाइम्स विल नॉट हैव एनी एक्टिविटी, इससे ऊपर गए इट विल नॉट हैव एनी एक्टिविटी. सो बट आई नो दैट नियर एसिडिक द सब्सट्रेट विल गेट एक्टिवेटेड. ठीक है, सो इट विल हैव द इलेक्ट्रोफिलिक इफेक्ट. नाउ दिस सिनेरियो विल मेक योर एंजाइम्स एक्टिव सो दैट इट कैन कैटलाइज द रिएक्शन. इतना गाइस समझ में आया है, हाँ? यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, यू कैन रीड ऑल दिस थिंग लेटर, आई मीन आई विल गिव इट टू यू. इतना समझ में आया,
बस इतना समझो, लाइक व्हेन यू हैव गॉट द एसिड ऑन द बेसिस, ठीक है, एंड द एच प्लस जो रहेगा इट इज गोइंग टू एक्टिवेट योर एंजाइम, ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है. ओके, थर्ड टाइप इज प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन. अभी ये मैं रीड करने से पहले ही समझा देती हूँ इसमें कैसा होता है. सी, प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन मतलब इफ यू हैव गॉट, सपोज योर एंजाइम इज ओवर हियर, ठीक है, एंड आपका सब्सट्रेट यहाँ पे है, डू यू थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर द एंजाइम टू कैटलाइज द रिएक्शन? नो, राइट, इट हैज टू बी नियर टू द एंजाइम. Okay, so it has to be very, very near to the enzyme so that it can have the interactions with the substrate molecule and then catalyze. Second, orientation. Orientation is very important. Now, suppose iska, let us say that this is your enzyme. Hai, okay, and here is your substrate. Hai. So we know that active site aapka aisa dikhta hai. Substrate mein bhi hai aapke paas, but agar if this portion is facing the enzyme, of course it is not going to have the interaction and there will be no product formation, correct? So uska orientation, the orientation of the substrate, it should be in the proper way, in the proper spatial way, so that it can sit into the active site of the enzyme. Abhi next kya hoga, after some time jab wo yahan pe baith sakta hai, theek hai, aise baithega, then only it can catalyze the reaction. तो इन शॉर्ट स्टोरी ये है प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन की. इतना क्लियर हुआ? यस मैम. नाउ लेट्स वी कैन जस्ट गिव अ रीडिंग. ठीक है, सो द सब्सट्रेट बाइंडिंग हैज एडिशनल इफेक्ट दैट एनहांस द रिएक्शन रेट्स व्हिच हैज गॉट द प्रॉक्सिमिटी ओरिएंटेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी. सो देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट बाइंडिंग, वेयर द फर्स्ट वन इज द बाइंडिंग ब्रिंग्स टुगेदर so that the active, so the reactive groups on the active side of the enzyme. Okay, second one is the active side in the enzyme is extremely specific in the substrate, therefore making the reaction as efficient as possible. Proximity and orientation in enzyme substrate interactions could align the reactive chemical groups and make them come together in an optimal orientation with the proper spatial relationship for a reaction to occur. Okay, so yahi sentence kafi hai to get the idea what does proximity and orientation means in the mechanism of enzyme reaction. Okay, so kya chahiye hame? Proper alignment of the reactive chemical groups so that they come together with the proper orientation in this proper space so that the reaction can occur. Now, look at the figure. ये figure मुझे ऐसे enzymes के लिए नहीं मिला. This is for the organic compounds. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. A and B अगर proper align है तो आपका bond बन जाएगा and यहाँ पे bond break हुआ है, हो जाएगा, ठीक है. अगर यही चीज अगर उल्टी होती, ये group यहाँ होता, so A and C के बीच में तो यही हमें चाहिए group, right? then it will take more time. Okay, यहाँ पे orientation का देखो, see. A एंड B दूर दूर है, नहीं बनेगा बॉन्ड इनके बीच में. जैसे जैसे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन, तो देर चांसेस दैट दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड देन दे रिजल्ट इन दी बेंडिंग ऑफ दी मॉलिक्यूल. सो व्हेन दे आर बेंडिंग देन देर आर पॉसिबल दैट कि वहां पे एक आपका एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाए, ठीक है. तो जैसे जैसे आपका देर इज अ ट्विस्टिंग इन दी और देर इज अ बेंडिंग इन द स्ट्रक्चर, यू कैन सी दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. करेक्ट, क्लियर नाउ? Just imagine in the same way with the enzymes and substrate also. Clear, guys? Yes, ma'am. Huh? If any doubt, you can tell me, okay? I'll try explaining with the other example if possible. Okay. अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटीएस का, HIV प्रोटीएस का हमने देखा है. So प्रोटीएस क्या करता है? It breaks the peptide bond. ठीक है, कोई भी प्रोटीज हुआ वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करता है. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द एचआईवी का प्रोटीज. सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? वी हैव गॉट द वाटर मॉलिक्यूल. रिमेंबर, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल लगता है, ओके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड. सी ओ एन एच बॉन्ड होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें से आगे जाके यहाँ पे
आपके पास ओ एच ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक और एच आ जाएगा, राइट। सो सी ओ ओ एच हो जाएगा एंड एन एच टू हो जाएगा। सो हमें मालूम है ये एक अमीनो एसिड का सी टर्मिनल हो जाता है और ये दूसरे अमीनो एसिड का एन टर्मिनल हो जाता है, ठीक है। सेम वे जब आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इन ऑर्डर टू ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड यू हैव टू ऐड द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, so now let this see over here. So we have got the peptide bond over here. This is CONH bond. यहाँ पे आपका water molecule है. And now you can see that it has broken the bond over here. ठीक है? अब HIV करता कैसे है ये? ये तो हो गया आपका reaction कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है? But how it is going to break? ये protease enzyme है, वो कैसे करता है? So they have shown that this as a backbone of the protease. ठीक है? वहाँ पे backbone देखो. And how it is interacting, the amide bonds, see amide bonds are, so sorry, peptide bonds are making interactions with the oxygen of the attacking water. Ye water, yehi wala hai aapka, to yahan pe humne use kiya hai. Okay, so you can see how nicely it is interacting. Okay, hydrogen bond bana raha hai uske saath, and then there is a attack. Okay. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट कर रहा है आपका, वाटर जो आपका अटैक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल रिलीज हो जा रहा है, सॉरी द इलेक्ट्रॉन गेन मूव्स ओवर हियर एंड देन आपको एच ग्रुप यहाँ पे आप ऐड कर देते हो। कैन यू सी यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे ध्यान दो। सो प्रोटीज क्या कर रहा है, इट इज इंटरैक्टिंग विद द अटैकिंग वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या, उसने ये वाटर मॉलिक्यूल सूट सेलेक्ट किया है टू ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नाउ व्हाट यू सी, ऑक्सीजन जो है वो आपका अटैक कर रहा है ऑन द सीओ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना है आपका सीओ का, वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ऑक्सीजन बिकम्स व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द ओएच ग्रुप, ठीक है। सेम वे जब यहाँ पे आपका बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से यहाँ टूटेगा, सो व्हाट विल हैपन, आपका एन के ऊपर भी आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वो भी एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा एंड एन एच टू बन जाएगा एंड यहाँ पे आपका सी ओ ओ एच बन जाएगा। गाइस क्लियर है? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री लगता है बट सिंपल केमिस्ट्री लगता है, इतना हार्ड केमिस्ट्री कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रेन डिस्टॉर्शन। So again, before explaining what is written over here, strain distortion में क्या होगा, you are actually putting the pressure on the substrate and the enzyme molecule to change in the conformation so that they can carry out the reaction. यानी कि transition state पहुंचेगा and उसके बाद वो आपको product form करेगा, ठीक है। Okay, suppose I have got the substrate like this, enzyme है वो आपका ऐसे आ रहा है, इट इज नॉट सिटिंग इन द प्रॉपर एक्टिव साइड, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, मैं यहाँ पे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के ऊपर उतना स्ट्रेन डालेगा, प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इट कैन सिट प्रॉपरली एट द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम एंड देन दे कैन ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। सो एंजाइम एक्टिव साइड्स कैन ऑल्सो यूटिलाइज स्ट्रेन डिस्टॉर्शन विद इन अबाउंड सबस्ट्रेट टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल and favor the formation of the transition state. Many enzymes that function by the induced fit model also utilize strain distortion within their catalytic mechanism. Within the unbound state, they remain low catalytic. Jaise interaction shuru hoga, destabilization hoga, and they will start putting the strain on the substrate as well as on the enzyme, and they become more active, and hence they catalyze the reaction. This is the last group. तो को फैक्टर कैटालिसिस नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे एंजाइम को फैक्टर्स या को एंजाइम्स लगेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द को फैक्टर्स एंड द को एंजाइम्स, ठीक है। सो को फैक्टर्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच बाइंड्स एंजाइम्स एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी। को एंजाइम्स आर बाइंडिंग टू द एंजाइम लूजली एंड दे हैव द एबिलिटी टू बाइंड एंड रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। जो टाइटली बाइंड करते हैं दोज आर नोन एज द प्रोसिफिक ग्रुप्स। समटाइम्स organic molecules and metal combines to form coenzymes such as in the case of the heme cofactor. Heme cofactor mein aapke paas rehta hai aapka prosthetic groups, okay? Then coordination of heme cofactors with their enzyme counterparts often involves electrostatic interactions with the histidine. Theek hai, abhi hum ek figure dekhte hain, yahan pe dekho.
तो यू हैव गॉट यहाँ पे पोरफायरिन रिंग है, बीच में आपका हीम ग्रुप है, और हीम ग्रुप में भी क्या है आपके पास, Fe2+ आयन, ठीक है. तो दिस इज योर आयन मेटल विच इज कोऑर्डिनेटेड विद द हीम कोफैक्टर, एंड दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ योर प्रोटीन. अब ये हीम की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी हीमोग्लोबिन, राइट. कैन यू सी द फिगर, यहाँ पे अल्फा हेलाइसिस है आपके, एंड बीच में आपका पोरफायरिन रिंग है, एंड उसके सेंटर में यू हैव गॉट द Fe2+. Yes, and this is another example. Okay, this they have taken example of the succinate dehydrogenase enzyme. Jahan pe again you need this heme group as the cofactor. Okay, so iska matlab kya ho raha hai? That we are using that particular heme or the cofactor for the catalysis. Jaise ki for example, let us talk about DNA polymerase. DNA polymerase mein bhi kya hota hai? That in order to have your incoming nucleotide to come and sit at the binding site. Suppose ये आपका binding site है DNA polymerase का, and DNTP यहाँ पे आके बैठ रहा है. So ये sit, I mean we should interact properly with the active site or the binding site. It is going to interact with the metal ions which are present. और DNA polymerase में कौन से metal ions लगता है आपका, Md2+. इसका negative charge, DNTP का negative charge कौन देता है, phosphate group. तो फॉस्फेट का नेगेटिव ग्रुप और Md2+ का पॉजिटिव ग्रुप, दे मेक अ इंटरैक्शन, ठीक है, मेटल कोऑर्डिनेशन इंटरैक्शन बनता है, एंड ऑल दिस कोऑर्डिनेशन टुगेदर विल जस्टिफाई दैट दिस पर्टिकुलर डीएनटीपी इज करेक्ट, ठीक है, फॉर द रेस्पेक्टिव बेस विच इज प्रेजेंट ओवर हियर. अगर यहाँ पे ए है टेम्पलेट में तो यहाँ पे टी वाला डीएनटीपी आना चाहिए, राइट, आपको डीटीटीपी आना चाहिए, सो दैट इट विल सिट प्रॉपरली, देन it is going to sit properly and then only DNA polymerase is going to catalyze and synthesize the new strand. ये एक दूसरा example हो गया. So guys, इतना clear है आपको? Yes ma'am. हाँ. Clear? पूछना था कुछ? No ma'am. Okay. So guys, आज के लिए इतना ही. Thank you for listening. कोई doubt है आप लोगों को? No, ma'am.